हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.3। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.3 में क्या होता है, आप लोगों को रैखिक समीकरण गिवन होता है। रैखिक समीकरण विधि को इसमें क्या करना होता है, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। आप यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि, इस प्रश्नावली में हम मेनली प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे और फिर इसके बाद होगा आप लोगों का विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो आइए शुरू करते हैं। आपके पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही खंड आपको दिया गया है। इसमें आपको दो इक्वेशन दी गई है। पहली इक्वेशन है एक्स प्लस वाई बराबर 14 और फिर है एक्स माइनस वाई बराबर 4। इसे आप लोग इक्वेशन 1 मान लोगे, ऐसा मान लोगे 2, ठीक है ना। जब आप लोग इक्वेशन 1 और 2 मान लोगे तो इसमें से आपको कोई सी भी एक इक्वेशन लेनी है, उसे हल करना, ठीक है। और जो भी आपको वैल्यू मिलेगी उसे दूसरी में पुट करना, यानी कि यदि आप समीकरण 1 लेकर चलोगे तो दूसरी में मान पुट करोगे। ऐसा नहीं कि आप समीकरण 1 लेकर चले रहे, 1 में मान पुट करें। तो देखो कैसा, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, मैंने समीकरण 1 ली, मैंने मतलब समीकरण 1 हल करी, एक्स प्लस वाई बराबर आपको यहाँ पे 14 गिवन है। अब क्या करोगे आप, जो वाई है इसे धर्मारोह फेंक का, जैसे आप इसे धर्मारोह रखोगे तो ये क्या होगा, ये प्लस का, तो दरा कहाँ का हो जाएगा, माइनस का वाई, ठीक है। और ये आपके पास में एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 14 माइनस के वाई, और इसे हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, ए। अब हम क्या करेंगे, जो मान है एक्स का इसे क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैंने भी ये बोला था आपको यदि आप समीकरण 1 लेकर चल ले, देखो समीकरण 1 लेके चल ले तो आप मान क्या में रखोगे, 2 में रखोगे। तो 2 आप लोग समीकरण 2 उतारो, एक्स माइनस के वाई बराबर 4। अब हम क्या करेंगे, एक्स का मान रखेंगे यहाँ पे, तो एक्स का मान रखा हमने 14 माइनस के वाई, ये वाला माइनस पहले से, ये वाला वाई भी पहले से, यहाँ से बराबर 4, एक वाई और एक और वाई, कितने वाई हो गए, 2 वाई। तो ये आपके क्या के वाई हो गए, माइनस के वाई बराबर 4। ये 2 आप इधर मारो फेंक के क्या का हो जाएगा, प्लस का, और ये जब आप 4 इसे लेकर आओगे उठाकर तो ये क्या का हो जाएगा आपका, माइनस का। तो 2y बराबर आपको मिल जाएगा 4 माइनस 14 माइनस के 4। अब 14 में से 4 जाएंगे, यदि 14 में से 4 आपके जाते हो तो कितना मिलेगा आपको, 2y बराबर 10, और 10 के आधे 5, तो y बराबर हमारे पास आएगा 5। तो y की वैल्यू हमें मिलेगी, ये y की वैल्यू हम क्या करेंगे समीकरण में रख देंगे, इजीली आंसर निकल कर आ जाएगा। हम लिखेंगे y का मान समीकरण a में रखने पर, a हमारे पास समीकरण क्या है, x बराबर 14 माइनस के y, 14 माइनस के y, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 5, तो यहाँ पर रख देंगे। तो 14 माइनस के 5, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 9। तो आपको x और y की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी आपके पास आगे। इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं हम अभी। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का पहले का दूसरा खंड, तो पहले का दूसरे खंड में आपको गिवन क्या है, पहले तो इक्वेशन उतारो, इक्वेशन है आपके पास में एस माइनस टी बराबर 3 और एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। समीकरण ये 1 और ये समीकरण 2। अब इनमें से कोई से एक समीकरण ले लो, हमने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 ली, समीकरण 1 क्या आपके पास में एस माइनस टी बराबर 3, ये जो आपका टी है इसे धर्मारो फेंक, कहीं जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एस बराबर आपको मिलेगा 3 प्लस के टी, प्लस थोड़ा छोटा है, अरे टी आपको मुड़ा मिलेगा यहाँ से नीचे से, ये समीकरण क्या होगी आपके पास में ए। अब क्या करेंगे, ये जो एस का मान है समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एस का मान, एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, यदि हम समीकरण 1 लेकर चल रहे तो मान क्या में रखना, दूसरी में रखना, तभी हमें आंसर मिलेगा। अब देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण उतारेंगे 2। समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, एस बटे 3 और टी बटे 2 बराबर 6। अब क्या करेंगे, s का मान रखना, s की यहाँ पे इसकी जगह आपको क्या रखना है, 3 प्लस टी, तो यहाँ पे आपने उठाया, यहाँ पे रख दिया 3 प्लस के टी बटे 3 और टी बटे 2 बराबर 6, क्रॉस मल्टीप्लाई,
करनी आती होगी, बच्चों बच्चे बातती है, ठीक है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसकी गुणा यहाँ पे कर दोगे, रिस्की यहाँ पे कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा होती है यहाँ ऐसा, और इन दोनों के साथ, और बाकी आप लोग की ऐसा, ठीक है ना। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दो ही कम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो ही कम दो, ठीक है, तीन ही कम तीन, दो तिया छः, बराबर छः। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा करो एक बार फिर, छः ही कम छः, दो ही कम दो टी, तीन ही कम तीन टी, छः छंग छत्तीस। ये आपका जो छः, इसे उधर मारो फेंक, कहीं आपका इधर प्लस का, उधर जाकर कहाँ का हो जाएगा माइनस का। ये देखो दो टी और तीन टी, कितने टी हो गए यहाँ पे, पाँच टी छत्तीस, मतलब छः गए, आपके पास बचा कितना है यहाँ पे, तीस, पाँच छंग तीस, टी बराबर छः। तो टी का मान आपके पास आया छः, ये टी का मान हम समीकरण किस में रख लेंगे, ए में। तो यहाँ पे लिखेंगे टी का मान, टी का मान समीकरण ए में रखने पर, ए में रखने पर इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। ए हमारी क्या थी, एस बराबर तीन प्लस के टी, तो एस तो झुका तो, ये तीन भी झुका तो, टी का मान कितना आपके पास में, छः यहाँ पे रख दोगे आप, तो एस बराबर तीन और छः कितने हो जाएंगे, नौ, तो एस की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे नाइन। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन आप लोग क्या हो गए, सोल्व हो गए। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो उससे पहले यदि आप कोई बच्चा स्क्रीन शॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। तो ये तीसरे वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करना है इसी मेथड से, ठीक है ना। और जो आपका चौथे वाला खंड है मैं कराता हूँ आपको, क्योंकि पॉइंट वाला और पॉइंट वाले में बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए कैसे करना आप लोगों को, बहुत ही आसान तरीके से करते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर फोर आपको गिवन है, 0.2x 0.3y बराबर 1.3, फिर 0.4x 0.5y और 2.3, ठीक है ना। अब देखो यदि पॉइंट आपके इक्वल नंबर पर हो, ठीक है, तो आप इजीली पॉइंट हटा सकते हो। इसकी पॉइंट सही है हटाया, और इसकी पॉइंट सही है, और इसकी पॉइंट सही है, तो हमने पॉइंट हटा ली। तो अब हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में मिला क्या, हम यहाँ पे मिला हम 2x, यहाँ पे मिला हम 3y, यहाँ पे हो गया 13, यह हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर वन। फिर यहाँ से आपको मिलेगा 4x, यहाँ मिलेगा आपको 5y, और यहाँ आपको मिलेगा 23, समीकरण होगी दो। तो हम यहाँ पे इनमें से कोई से एक इक्वेशन लेंगे, समीकरण एक या समीकरण दो, तो हमने लिखा यहाँ पे समीकरण एक से, समीकरण एक लिए हमने, समीकरण एक थी हमारे पास में 2x + 3y = 13। तो ये जो आपका 3y है इसे उधर मारो फेंक, कहीं आपका प्लस का दराग कहाँ का हो जाएगा माइनस का, तीन हो जाएगा 13 - 3y, ठीक है। ये दो जो आपका x के साथ गुणा में, ये कहाँ पहुंच जाएगा भाग में, यहाँ पे कहाँ पहुंच जाएगा भाग में, तो आपको x बराबर मिलेगा 13 - 3y / 2, ठीक है ना। और ये समीकरण हमारी क्या हो जाएगी, a, समीकरण क्या मान ली, a। अब इसे हम आगे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। हम क्या करेंगे, ये x का मान समीकरण दो में रखेंगे, यदि हम एक लेके चलेंगे तो दो में क्या रखेंगे मान, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो आप एक बार उतारोगे इजीली, ये आपके पास में समीकरण दो 4x + 5y = 23। अब हमें क्या करना है, x का मान रखना, x के स्थान पर, x ही है रहा हमारा, ठीक है ना, इस वाले पद में x है तो x के स्थान पर। तो चार तो झुका तू, चार के साथ कोई छेड़छानी नहीं आवा, वरना चार नाराज हो जाएगा यदि आपने छेड़ दिया, तो चार के साथ कोई छेड़छानी नहीं, आपको x का मान रखना। तो x का मान आपके पास में कितना, 13 - 3y / 2, तो यहाँ रखेंगे हम
गुणामा 13 माइनस 3 वाई बटे 2, ये हो गया हमारा। फिर ये क्या का चिन्ह, इसका तो मान पुट कर दिया, प्लस का चिन्ह, ये प्लस लगाया, 5y बराबर 23। क्या करा इस दो से हमने उड़ा दिया, दो ही कम दो, दो दुनी चार। अब हमने क्या करा इस दो की गुना बहुत प्यार से इस भाई साहब के साथ करी, ठीक है ना, दो तिया देखो 13 ही कम 13, 13 दुनी 26, ये होगा 26। फिर इसकी गुना तीन के साथ करी, दो तिया 6 और ये प्लस का 5y बराबर 23। अब देखो 6y में से 5y गए, 6y में से 5y गए, देखो यहाँ पे माइनस के ज्यादा, जिसके ज्यादा होते हैं उसी का बचता, तो 6y क्या के माइनस के और प्लस के 5y है, तो 6 में से जब 5 जाएंगे तो आपके पास माइनस का बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब आपको देखना कितना ये बचा, 1y, 6 में से 5 गए बराबर 23। अब इस 23 को आप इधर लेके जाओ और वाई को उधर, ये वाई क्या का माइनस का, जब इधर लेके जाओगे क्या का हो जाएगा, ये प्लस का, ये आपका प्लस का हो गया। 26 में से 23 गए, आपको मिला 3, ठीक है ना, और ये आपका वाई की वैल्यू आपको मिल गई। अब ये वाई का मान एक्स यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे लिखेंगे वाई का मान, वाई का मान समीकरण ए में रखने पर, ए में रखने पर, ए में रखा है तो एक्स बराबर आपको है 13 माइनस 3 वाई बटे 2, एक्स बराबर 13 झुका तो 3 भी झुका तो वाई की वैल्यू कितनी आई 3 और बटे 2, 3 तिया 9। आप लोग यहाँ करके दिखा सकते हो, यहाँ पे ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 गए बटे 2, तो एक्स बराबर जब 13 में से 9 गए कितना मिलेगा 4, 4 बटे 2, 2 दुनी 4, तो एक्स बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से जो इक्वेशन है भी क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर रूट वाला, अंडर रूट वाले तो भी बच्चे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं बिल्कुल, तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा, बहुत ही इजी सा सवाल है, बहुत सबसे ज्यादा आसान, जितने आप लोगों ने तीन खंड आपने देखा है इनमें सबसे ज्यादा आसान सवाल यही है। तो आइए शुरू करते हैं इस वाले सवाल को, बहुत आसान है ये, दिया गिवन है आपको 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, फिर अंडर रूट 3x माइनस 8y बराबर 0। हम करेंगे क्या, ये समीकरण एक और ये समीकरण दो, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक ली, दो अंडर रूट 2x अंडर रूट 3y बराबर 0। हम क्या करेंगे, जो ये 3y है इसे उधर मारो फेंक का, जब हमने उधर मारा फेंक का तो ये क्या का हो गया उधर जाकर माइनस का 3y। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 अंडर रूट 2 है, यदि मुझे x का मान निकालना हो तो ये क्या करेंगे भाग में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2, ये किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी, आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2। अभी हम हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर ए, अब हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 लिए हमने अंडर रूट 3x माइनस 8y बराबर 0, किया क्या हमने यहाँ पे, हमने x का मान रखा, x का मान अंडर रूट 3x का मान रख लो, x का मान माइनस के अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8y बराबर 0। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, y कॉमन ले लो, y हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 3 तिया 9, यहाँ पे आपको मिलेगा अंडर रूट 9 माइनस के और बटे कितना मिलेगा अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 8 बराबर 0। ये आपका गुणा मा, जब इसे पर मारोगे फेंक का भाग मा, 0 के साथ भाग मारोगे फेंक का सा, ये आप लोगों का माइनस अंडर रूट 9 बटे 2 माइनस अंडर रूट 8, ये आपका गुणा मा वाई के साथ, तो आप लोग 0 के साथ फेंक का मारोगे तो ये जब 0 के साथ क्या करेगा भाग करेगा तो वाई बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 0। ये वाई का मान आप कहीं भी रख लो, वाई का मान समीकरण की समय रख लेंगे हम
एम रख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वाई का मान समीकरण ए में रखने पर, ए आपके पास ये रही एक्स बराबर माइनस अंडर रूट तीन वाई बटे अंडर रूट दो, तो एक्स बराबर माइनस जुगा तू अंडर रूट तीन भी जुगा तू, वाई की वैल्यू जीरो और अंडर रूट दो, जब जीरो की गुणा इसके साथ करोगे तो ये जीरो, जाना जीरो का जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो जीरो से टकराने पर लगेगा, लड़ाई करने पर लगेगा, तो जीरो क्या करेगी ना जीरो बना देगी और अपने आप हीरो बन जाएगी। तो ये देखो आपको एक्स की वैल्यू भी क्या मिली जीरो और वाई की वैल्यू भी क्या मिली जीरो। देखो अंडर रूट का कोई झंझट ही नहीं रहा इसमें, बहुत ही ईजी सा सवाल था और इस प्रकार से आपका ये सवाल क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता। और हम क्वेश्चन नंबर दो की ओर बढ़ते हैं, तो हमें इरेज कर देता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर में दो में आपको देगा दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर इलेवन और दो एक्स माइनस फोर वाई बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए, और इसमें m का मान, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर, जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस थ्री हो। तो हमें m की वैल्यू ज्ञात करनी है, m की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें x का मान चाह रहा और y का चाह रहा, तो सबसे पहले m की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम x का मान निकाल लेंगे और y का, दोनों इक्वेशन इसमें से लिख लेंगे जो भी आपको गिवन है। यहाँ पे दिएगा 2x और 3y बराबर 11, ये समीकरण आपके पास में होगी एक, और फिर आपको दिएगा 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, ये समीकरण क्या होगी दो। अब हम इसे क्या करेंगे, इसमें देखो कहीं पे भी नहीं लिखा गया प्रतिस्थापन करना, तो आप लोग इसमें क्या करेंगे कोई भी विलोपन विधि या आप लोग एलिमिनेशन मेथड या कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, तो हम इसमें लगाएंगे विलोपन विधि। यहाँ हम क्या करेंगे समीकरण एक व दो से, हम इसमें दोनों समीकरण एक साथ लेंगे, तो हमने समीकरण ली 2x प्लस के 3y बराबर 11, 2x 4y बराबर माइनस के 24। देखो ये समीकरण अभी तक मैंने कुछ नहीं करा, सेम समीकरण आपको गिवन है ये जो कि तू है। अब हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, इसमें यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा क्या होगा इसमें हम चिन्ह बदल देंगे, विलोपन का मतलब होता है उल्टा करना, यदि प्लस का चिन्ह तो सब माइनस करेंगे, जो माइनस का चिन्ह से क्या करेंगे प्लस करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका माइनस है से क्या हो गया प्लस, ये आपका माइनस है ये क्या हो गया प्लस। अब आपको ध्यान देना, देखो ये दो एक्स प्लस का नीचे वाला माइनस का, तो आपस में ये कट गए ठीक है, ये आपके इस चिन्ह को भूल जाओ, ये प्लस के चार, ये प्लस के तीन, तो क्या हो गया प्लस के सात वाई, ये 24 और 11 ये हो गया आपके पास में 35, वो भी प्लस किया, तो 7 × 35 वाई बराबर आपको मिला 5, तो वाई की वैल्यू तो आपको मिल गई यहाँ पे। ये वाई का मान हम क्या करेंगे इक्वेशन में रख लेंगे कोई सी एक इक्वेशन में ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई का मान, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक ये रही आपके पास में 2x प्लस 3y बराबर 11, y की वैल्यू कितनी आई 5, तो यहाँ पे देखेंगे 2x प्लस यहाँ पे 3 जुगा तो और y की वैल्यू रखी 5 बराबर 11 ठीक है ना, 5 × 15 तो ये प्लस के 15 बराबर 11, ये प्लस के 15 जब आप लोग उठाओगे यहाँ से सर फेंक कर मारोगे, तो ये जो 11 पहले से ही है तो अपनी सीट पर पहले से बैठा है, ऐसा आपको इसकी सीट बिल्कुल नहीं छीननी। यदि आप लोग क्या करो, कुछ बच्चे क्या करते हैं क्या करेंगे इसे इधर मारेंगे फेंक कर लिख देंगे 15 − 11, यानी कि 15 आप लोग पहले लिख दोगे 11 क्या कर दोगे बाद में, तो ये क्या है इस प्रकार से गलत है, क्योंकि यहाँ पहले से 11 बैठा हुआ है, अपनी सीट पर से बिल्कुल भी उठने वाला नहीं है। आप लोग क्या करोगे जब 15 को फेंक कर मारोगे इधर, तो ये पीछे बैठा हुआ आपका ठीक, तो ये आपको पीछे बैठाना, आगे बिल्कुल नहीं बैठाना वरना गलत हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो 15 को उधर मारो फेंक कर, तो ये क्या का हो गया माइनस का। अब 15 में से 11 गए तो माइनस के 4 बचेंगे आपके पास में, तो यहाँ मिला आपको माइनस के 4, इससे आपने इसे डिवाइड कर दिया तो यहाँ मिला आपको माइनस के 2। अब मुझे क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों मिल गई है, मुझे एम का मान निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एम का मान निकालने के लिए हम समीकरण लेंगे, आपको समीकरण गिवन है वाई बराबर एम एक्स प्लस 2। हम क्या करेंगे, वाई का मान कितना हमारे पास में 5, तो वाई की जगह 5 रखेंगे। एम जू का क्यों, एक्स की वैल्यू कितनी माइनस के 2 प्लस 2 जू का 2। हम क्या करेंगे, इसे इधर मारेंगे फेंक का, इसे इधर मारेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस के 2 और इसकी गुणा हो जाएगी माइनस 2 एकम 2 एम। फिर क्या करेंगे, देखो 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा आपके पास मदर, कितने थी? सॉरी यहाँ पे आपकी वैल्यू 3 दे रखी है, सॉरी यहाँ पे 3 डाल लो। अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 5 में से 3 गए तो आपको इधर कितना मिलेगा 2। अब हम क्या करेंगे, m बराबर ये जो 2 इसे दरमारो फेंक कहीं गुणा में हो जाएगा भाग में, 2 एकम 2, m बराबर आ जाएगा माइनस का 1, जो ये माइनस का चिन्ह चल रहा। ठीक है, एक बार यहाँ से पूर्ण है, देखो y बराबर एम एक्स प्लस 3 दे रखा था तो मैंने 2 उतार दिया था उसके लिए, सॉरी y बराबर एम एक्स प्लस 3, तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास में, यदि 5 तो y का मान 5, एम जू का तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास में माइनस के 2, माइनस का 2 प्लस 3। अब ये प्लस का जो 3 है इधर हमारा फेंक का क्या कहोगे माइनस का, और इसकी गुणा यहाँ कर दी 2 एकम 2 एम, 5 में से 3 गई कितना मिला हमें 2, वो भी प्लस का। अभी आपका जो 2 ये आपका गुणा में ये कहाँ पहुँच गया भाग में, तो 2 से 2 गया 2 एकम 2, तो माइनस का कितना मिला आपका एम। तो इस प्रकार से जो इसके क्वेश्चन थे कंप्लीट करा दिए मैंने, और मुझे आशा है कि आप लोगों ने जो प्रतिस्थापन मेथड वो अच्छी तरीके से सीख लिया होगा, और दूसरा मेथड आप लोगों का विलोपन विधि, ये भी आप लोगों की इजीली क्या होगी समझ में आ गई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन बचे हैं उन पर चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।